नमस्कार। 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में हमारी किस्मत के सितारे हमारा कितना साथ देंगे हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर हमारी किस्मत के सितारे यानी नौ ग्रह मजबूत हैं तो ही हमें कुछ भी मिलेगा। आपका डॉक्टर बनने का सपना, इंजीनियर बनने का सपना, शिक्षक बनने का सपना, एस्ट्रोनॉट बनने का सपना, वैज्ञानिक बनने का सपना, बिजनेसमैन बनने का सपना, हर एक सपना जो है वो आपके सितारे ही तय करते हैं। अगर आपके नौ ग्रह आपका साथ दे रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और अगर आपके नौ ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो इस सप्ताह में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा ये सप्ताह आपकी राशि के लिए। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका जन्मदिन है, जिनके शादी की सालगिरह है इस सप्ताह में। शुभारंभ करते हैं जय श्री राम के नाम से, और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। आप सभी लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय जो भी सब्सक्राइब करेगा उसे राम की कृपा मिल रही है, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। 24 को आप मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेंगे, जो कुछ आपको चाहिए, आपकी जो तमन्नाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। बुजुर्गों का स्नेह, बुजुर्गों का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके जीवन की जो बड़ी पूंजी है वो है आशीर्वाद, दुआएं आपको मिलने वाली हैं, दुआएं आपको मिलने वाला है, लोगों का प्यार, इतना प्यार जिसमें आप डूब जाएंगे और सफल हो जाएंगे। आशीर्वाद जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। 25, 26, 27 तारीख को चंद्रमा जो है थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, काम काज का बोझ बढ़ सकता है, अत्यधिक चिंताएं हो सकती हैं, बेफालतू की चिंताएं जिसका कोई मतलब नहीं होगा, मन में थोड़ी सी नकारात्मकता रहेगी, आप में सहनशीलता की कमी रहेगी, जो काम करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आप शायद काम ठीक से कर ना पाए, मन से ना कर पाए, दिमाग भारी रहेगा, सरदर्द हो सकता है, बीमार भी हो सकते हैं। 28-29 तारीख को समय ठीक हो जाएगा, पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, कद्र करेंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, मूड अच्छा होगा, करियर शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होंगी, और शादी विवाह में आप कहीं जा सकते हैं, कोई फंक्शन वगैरह में भी जा सकते हैं। 28-29 तारीख को आपको अच्छे फल मिलेंगे। 30-31 तारीख को पैसा आएगा, संपत्ति आएगी, आपको बहुत सारे सुख भोगने का मौका मिलेगा, अध्यात्म में रुचि रहेगी। सप्ताह के शुरू में भाग्य पूरी तरीके से अनुकूल नजर आ रहा है, आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, परिवार में हंसी खुशी का माहौल होगा, कहीं पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का मौका मिलेगा, की गई यात्राएं आपकी सफल रहेंगी, मनोरंजक रहेंगी, नौकरी पेशा लोगों को अपने इष्ट मित्रों का, अपने जूनियर सीनियर सभी का सहयोग मिलेगा, ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी, वरिष्ठ जो है आपके सीनियर जो है आपसे खुश रहेंगे, आपका कद मान सम्मान बढ़ेगा, आपके पद में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ऑफिस में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बेरोजगार लोगों को अच्छे काम के ऑफर मिल सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए के मध्य में यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा, बाजार में फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, व्यापार में वृद्धि होगी, साझेदारी में जो लोग व्यापार में लिप्त हैं उनके लिए समय शुभ रहेगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, किसी से कोई दोस्ती हुई है तो वो प्रेम संबंध में बदल सकती है, आपके पहले से चल रहे प्रेम संबंध में और मजबूती आएगी, जीवन साथी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे बने रहेंगे। जैसे सप्ताह बीतेगा आप किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बना सकते हैं, परिवार से जुड़े हुए मामलों में बड़े फैसले ले सकते हैं, माता पिता का साथ सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद पूरे सप्ताह आपके साथ बना हुआ है, बल्कि माता पिता नहीं सभी बड़ों का समर्थन आपको मिल रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह एक नई ताजगी से भरा हुआ है, दरवाजे पर खूब सारे नए अवसर आएंगे जो आपकी कुंडी आपकी बेल को बजाएंगे कि हमें आने दो अपने घर, यानी अवसर मौके आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको इस सप्ताह में छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी, लेकिन बड़ा लक्ष्य जब पीप मिलता है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, वो गड़बड़ी 3 दिनों की है जिसमें आप थोड़ा टेंशन में रहेंगे, उस टेंशन से बाहर निकलिए, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करिए, बगैर विचलित हुए, बगैर परेशान हुए अपने कर्म पथ पर डटे रहिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, आप आगे बढ़ेंगे, धैर्य और विवेक से आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना और आगे बढ़ते चले जाएंगे और आसानी से सभी चुनौतियों को पार कर लेंगे। इस सप्ताह में किसी प्रभावी किसी बड़े व्यक्ति के मिलने से आपका काम और आगे बढ़ेगा, आप अपने भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, कमीशन या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों के हाथ में बड़ा काम लग सकता है,
है। जो लोग लंबे समय से रोजी रोटी के की जुगाड़ में थे उनके लिए बढ़िया समय है। मनचाही मुराद पूरी हो रही है। नौकरी पेशा लोगों को मनचाही तरक्की मिल रही है। सीनियर जूनियर का सपोर्ट मिल रहा है। कार्य में पदोन्नति मिलने की भी खबर मिल जाएगी जिससे दिल खुश हो जाएगा। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता अच्छी मिलने वाली है और तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। प्रेम संबंधों में उपजी हुई गलत फहमियां भी दूर हो रही हैं। खोया हुआ प्यार भी मिल रहा है। वापस मिलने से चीजें खुश होगा दिल आपका। जो चली गई थी चीजें, जो लोग रूठ गए थे, वो फिर आपकी जिंदगी में आ जाएंगी और आप खुश हो जाएंगे। लव पार्टनर के साथ आपका विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। सेहत की दृष्टिकोण से यह सप्ताह भी अच्छा है। यदि आप बीमारी से पीड़ित चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और जो 3 तारीखें मैंने बताई उन तारीखों में थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना है। प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के लोटे में रोली और अक्षत डालकर यानी चावल डालकर साबुत चावल डालकर जल दें और साथ ही साथ आदि तृतीय स्रोत का पाठ करें और अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते रहें। किसी बुजुर्ग महिला को या अपनी माता जी को कुछ सफेद रंग की चीज का दान करें और उनका आशीर्वाद लें। या फिर आपकी माता जी एक काम करें, एक मुट्ठी चावल एक सफेद कपड़े पे बांध कर उस पर कुछ पैसे रखकर और एक चांदी का टुकड़ा रखकर आपको दे दें और उस पोटली को आप अपने पास रखें तो आपके जीवन में मां के आशीर्वाद से कोई कष्ट नहीं आएगा और आपके जीवन में जो 3 तारीखें जहां पे चंद्रमा खराब हो रहे हैं वो भी शुभ हो जाएंगे और आपको शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये था आपका भविष्य इस सप्ताह में। 70% शुभ लाभ है, 3 नंबर लकी है। पीला रंग आपके लिए, हल्का पीला रंग भी अच्छा रहेगा, केसरिया रंग भी कह सकते हैं जिसको। और अब जानते हैं जिनकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत होते हैं उन्हें क्या मिलता है और जिनकी कुंडली कमजोर होती है उन्हें क्या मिलता है विस्तार से। आप परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं या लगी रहती हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही जो मुझे करना है। आपकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जन्म कुंडली का हर एक सितारा आपका साथ ना दे। मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जन्म कुंडली के हर अशुभ ग्रह को जांचेंगे, परखेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिसको एक सामान्य व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं आप हमसे मिलने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है आपकी मुस्कुराहट का राज। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद दुखी नहीं रहेंगे क्योंकि आपका बुरा वक्त चला गया है। मिलाइए फोन, करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक और जीवन में लाइए अनेक मुस्कुराहट, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार मुस्कुराएगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम कर्तव्य और हमारी ये गारंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे। अब अगला काम आपका है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का।